अगली खबर में हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहां महज 14 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मचर्य व्रत लेने व 21 वर्ष में दीक्षा लेकर साधना में लीन होने वाली देश की प्रथम गणिनी आरिका विशुद्धमती ने 53 वर्ष बाद गृहनगर में चतुर्मास करने के लिए 9 सदस्यीय संघ के साथ नगर में प्रवेश किया। शहर के प्रमुख मार्गों पर गुरुवार की सुबह विशुद्धमती माता व उनके संघ का इंद्रगंज जैन मंदिर से नई सड़क चंपाबाग बगीची तक धूमधाम और गाजे बाजे के साथ नगर में भ्रमण किया। प्रमुख मार्गों पर आरती उतार कर विशुद्धमती माता का अभिवादन किया गया। विशुद्धमती माता के चतुर्मास को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह है। सड़क पर रंगोली निकाली गई, महिला संघ के भ्रमण के दौरान उत्साह व उमंग के साथ आगे चल रही थी। माता का संघ ने बुधवार को आनंदनगर जैन मंदिर में पदविहार करते हुए पहुंचा था। विशुद्धमती गुरुवार तड़के आनंदनगर से पदविहार करते हुए इंद्रगंज जैन मंदिर पहुंची थी, जहां महिलाओं ने रंगोली बनाकर विशुद्धमती का स्वागत किया। यहाँ से संघ का चल समारोह शुरू हुआ। चल समारोह डीडवाना ओली होते हुए महाराज बाड़ा, मोर बाजार, दानावली, नई सड़क, चंपाबाग, बगीची पहुंचा। जैन समाज के लोगों ने विशुद्धमती माता जी का जैन धर्म की परंपरा के अनुसार जगह जगह स्वागत किया। चल समारोह में महिलाओं ने डांडिया व भक्ति नृत्य भी किया। एक्टिवा रैली निकाली गई और पुष्प वर्षा भी की गई। पंचरंगा ध्वजाएं लेकर महिलाएं आगे आगे चल रही थी। विशुद्धमती माता जी के लिए चतुर्मास के लिए जैन समाज के अलग अलग संगठनों ने जिम्मेदारी ली है। विशुद्धमती माता के शहर में चतुर्मास करने से जैन समाज में काफी उत्साह है। खास बात यह है कि विशुद्धमती माता ग्वालियर की ही रहने वाली हैं और वैराग्य लेने के बाद पहली बार ग्वालियर में आई हैं।